तो मुझे यहाँ पे इंसेंटिव देना है, मेरे पास यहाँ सेल्स की फिगर है और मुझे इंसेंटिव देना है। इंसेंटिव देने में रूल क्या है कि 50 to 80 हुआ तो 500, less than 50 हुआ तो 100, greater than 80 हुआ तो 200 यहाँ पे शो करना है। तो जनरली इसके लिए हम एंड यूज करते हैं, बट यहाँ एंड यूज नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि मेरे पास मल्टीपल कंडीशन और मल्टीपल रिजल्ट्स है। अगर मल्टीपल कंडीशन और सिंगल रिजल्ट हो तो एंड और का इस्तेमाल हम करते हैं, बट यहाँ पे मल्टीपल कंडीशन के साथ साथ मल्टीपल रिजल्ट है तो यहाँ हम नेस्टेड इफ का इस्तेमाल करेंगे। हम यहाँ इसको सेलेक्ट की और बोले अगर लेस देन इक्वल टू, नहीं यहाँ पे ग्रेटर देन, हाँ ग्रेटर देन इक्वल टू अगर 80 है तो यहाँ पे 80 नहीं होगा सर, 50 होगा, लोअर पहले आता है। और यहाँ पे अगेन एक और इफ लगाएंगे और बोलेंगे कि ए जो ए टू है लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू अगर आपका 80 है ऐसा हुआ तो 500। और हर इफ के टू पार्ट होते हैं, तो हम फॉल्स में 500 दे दिए, सॉरी ट्रू में, फॉल्स में 200 दे देंगे। ए इफ कंप्लीट हो गया। ए इफ कब चलेगा? जब पहला इफ हमारा फॉल्स दिया, मतलब जब वो ग्रेटर देन 50 होगा तभी ये दूसरा इफ चलेगा, नहीं तो अगर ग्रेटर देन 50 नहीं हुआ तो पहला इफ अपना फॉल्स पार्ट जो कि 100 है वो शो कर देगा। एंटर प्रेस किए, देखिए आपके सामने रिजल्ट है। अब नीचे तक ड्रैग कर दो तो आपका आ जाएगा।